हेलो गाइस, मैं गोपाल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक नई यूज़फुल ट्रिक लेके आप सभी के लिए अपने चैनल ट्रिकी विद टेकी पर। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट ऑटोमेटिकली आप तक पहुँचती रहे और आप जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोज़ को देख सकें और ट्रिक सीख सकें। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और न्यू ट्रिक, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप पे अगर कोई वीडियो आपको जो सेंड करना है जिसकी साइज 16 MB से अबव है तो आप उस वीडियो को कैसे सेंड करेंगे। तो गाइज, चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये ट्रिक। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो गाइज, इस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मतलब ये ट्रिक आपको यूज़ कब और कहाँ करनी है और क्यों आपको इस ट्रिक की नीड होगी। तो गाइज, नॉर्मली ये होता है कि हम किसी फ्रेंड के साथ कहीं विजिट करने गए हैं तो वहाँ पे हमने कोई रिकॉर्डिंग कर ली, अब फ्रेंड के साथ उसको शेयर करना है तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम 16 MB से अबव का वीडियो कोई भी हम व्हाट्सएप पर शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। और सेकेंड थिंग, किसी को वीडियो सॉन्ग अगर किसी को सेंड करना है तो हम 16 MB से अबव का वीडियो सेंड नहीं कर पाते, जो कि नॉर्मली होता है कि MP4 फॉर्मेट का अगर कोई वीडियो है तो वो 30 MB से अबव का वीडियो होगा। तो गाइज, उसके लिए व्हाट्सएप की ये कंडीशन हमें बहुत प्रॉब्लम देती है कि 16 MB से अबव का अगर कोई वीडियो है तो या तो हम उसको 2 या 3 पार्ट में सेंड करें, अदरवाइज़ फिर जब फ्रेंड मिलेगा तब उसको वाया अदर कोई ट्रांसफ़र ऐप के थ्रू उसको ये सेंड करेंगे। तो गाइज, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ट्रिक है कि व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो TXT वगैरह, ये हमें बड़ी MB के भी अगर कोई बड़ी साइज का भी फॉर्मेट और डेटा हो तो हम उसको सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो इस ट्रिक में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि उस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है। तो जो वीडियो आप सेंड करना चाहते हो उसको फाइल मैनेजर से ओपन कर लो, ठीक है। जहाँ पे जो वीडियो पड़ा है वहाँ जाओ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो तो सेंड नहीं कर रहा, 34 MB का एक ये सॉन्ग है सुरूर, इसको मैं आपको सेंड करके बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको क्या करना है, जो वीडियो है उसको सेलेक्ट करना है, फिर उसका रीनेम करना है आपको, ठीक है। रीनेम में उसके नेम में आप कोई छेड़छाड़ ना करें, उसके लास्ट जो डॉट के बाद एक्सटेंशन है, जैसे ये MP4 फॉर्मेट का वीडियो है तो आप इस एक्सटेंशन को चेंज कर दीजिए और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का एक्सटेंशन डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ .txt, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट का एक डॉक्यूमेंट हो गया। मतलब ये है तो वीडियो, लेकिन अभी ये कुछ टाइम के लिए इसको एज अ मैंने डॉक्यूमेंट बना दिया और इसको मैं वापस ओके कर देता हूँ। तो ये यहाँ से तो हट जाएगा मेरे इसमें से वीडियोस में से, तो और ये बन चुका है अब एक डॉक्यूमेंट। तो हमको ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे शेयर करना है किसी के साथ, तो मैं वापस इसको डॉक्यूमेंट में ओपन कर लेता हूँ। उसका नाम था सुरूर, हम डायरेक्ट SP चलते हैं। ये रहा वो डॉक्यूमेंट सुरूर ऑफिशियल वीडियो .txt, जो हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया था, एक्सटेंशन चेंज कर दिया था, ये वही है। अब मैं इसको डायरेक्ट शेयर करता हूँ यहाँ से शेयर। अब इसमें शेयर का ऑप्शन ओपन हुआ है, अब मैं इसको व्हाट्सएप पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्हाट्सएप ओपन हो गया मेरा, अब मैं इसको अपने दूसरे व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। तो इस पे मैं शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग देखेंगे कि इसमें बिना किसी रुकावट के, बिना कोई झंझट के 35 MB का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया है और ये सेंड भी हो जाएगा कुछ टाइम में। तो गाइस, यही थी आज की ट्रिक। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो जिसको ये सेंड कर रहे हैं उसको कॉल कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए
कि भाई ये जो मैं भेज रहा हूँ ये एक वीडियो है, तो इसका वापस से एक्सटेंशन चेंज कर ले। नॉर्मली एक्सटेंशन चेंज करना आजकल सबको आता है, फिर भी अगर वो ना समझे तो उसको बोल दो कि रीनेम प्लीज विद एंड ऑफ डॉट MP4 या जो भी फॉर्मेट इस वीडियो का पहले था वो रीनेम कर देगा और वो वापस से इस वीडियो को देख सकेगा। तो गाइज ये थी मेरी आज की ट्रिक, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा जिससे मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मेरी ट्रिक्स की नीड है। तो गाइज थैंक यू।